लव स्टोरी मूवी के फैक्टो रिव्यू लव स्टोरी सन उन्नीस की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच सैगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण हॉवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्द हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टोमी ली जॉन्स के साथ अली मे और रयान ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच एरिज है, आधारित है एरिच एरिज द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ट जी मिंस्की ने अभिनी अली मेक्रा और रयान ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेन्स ने जॉन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी फेमे की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से में इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने के, केडिस बॉर्गेन बौ, के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी वी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्गी रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय सा, संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्नेल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हॉवर्ड्स को गेम में आई लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की, की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और प्रिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जैनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जैनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक पर प्रतिष्ठी कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जोनी जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के ली एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जाने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर हाँ कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जेनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वे ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए, के लिए कहती और जोर देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जैनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलीवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलीवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जैनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मैसाचूसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलीवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर बैरिट फोर के रूप में रैन ओनील ने किरदार निभाया फिल कैविलेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रेमिन ने किरदार निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वोकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रेस्ट स्टेटन्स के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टोम ली जॉन्स के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस की ने किदा निभाया रेवरेड ब्लाउ ब्लाउ फेट के रूप में एंड्रयू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक चैलरी पियार्स थे, थे। वह पीछे हट गए और उनकी जगह हेथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर और नील को चुना गया था पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस सौ साठ अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील के हॉकी स्टैंड इनके थे जहां स्केटिंग इस और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हार्वर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक होवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो केवनद और माइक हाइडमेड शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अनुशासन के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एनडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमियर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउस स्टेट आई थिएटर में हुआ गया। और, अलोचनात्मक में में तो में गया। और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोड में 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 पूर्व रूप तो आलोचकों समीक्षाएं एक आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक बेसर्मी से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब यह आंखें मूंदने के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रो, रोबर्ट ए, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहद कहा कहा प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पिन की सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा कि हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है कि, मायने रखता है सत्य और बनावट के अभिनेताओ का आकर्षण यह कठिन देखने के लिए लव स्टोरी इन मात्राओं को कैसे और जो इसी नाम के सन उन्नीस सौ सत्तर के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण हॉवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्द हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टोमी ली जोन्स के साथ अली मे किकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हवर्ड जी मिंस्की ने अभिनीति अली मेकरा और रयान ओ जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जेन्सने ने संगीत है फ्रांसिस लाई के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन उन्नीस में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से भी एक इसके बाद एक स्वीपल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस के, बॉर्गेन बौ, के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर फर्जोनी वी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की रेड सा, क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्नेल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईवी लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एनवाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की, की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और प्रभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक पर प्रतिष्ठी कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारण करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जोनी जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर हाँ कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोफ ने देने के लिए कहती और चोरक देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलिवर दुखी ओलिवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मैसाचुसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलिवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलिवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे स्केटिंग करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैविलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर ब्रेरिट फोर के रूप में रैन ओनील ने किरदार निभाया फिल कैविलेरी के, के रूप में जोन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में मिलंद ने किरदार निभाया डेन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किरदार निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किरदार निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वोकर ने किरदार निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी ने किद्दा निभाया और रे स्टे स्ट्रेटन के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टॉम ली जॉन्स के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस्की ने किरदान निभाया रूप में एंड्रू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरिस सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन दियारिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील के हॉकी स्टैंड्स इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हरावर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइडमेंट शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही इस के बाद फिल्म। ए इस सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एनडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोटेन टमाटोज में पूर्व व्यापार के रूप में दो उन्तीस आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का शोर दिया गया और इस आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक बेसर्मी से आंसू बहाने वाली फिल्म है जो दिलोप पर कब्जा कर लेगी जब यह आंखें मूंदने के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एल्बर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा कि हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है कि की मायने रखता है सथ सथ है और बनावट के का एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच सैगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जोन मार्ले रे मिलेड और टोमी ली जोन्स के साथ अली में और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ड जी मिस्की ने अभिनीति अली मेकरा और रेयान नील, जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोंस ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी अवितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक। इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्चवर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी रेड रेडक्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं हावर्ड्स कॉर्निल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आई लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित पर, कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारण करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं। जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती है और जोर देकर कहती है कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे दुखी दुखी मैसाचूसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, 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 के रूप में अली मेग्रा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किरदार निभाया डेन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किरदार निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किरदार निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वॉकर ने किरदार निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडिका ने किरदार निभाया और रे रेस्टेस स्ट्रेटन के रूप में वॉकर डेनियल ने किरदार निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टॉम ली जोन्स के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस मैरिस्की ने किरदार निभायाड के रूप में एंड्रू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखेगा इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरिस सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो, तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वेलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक चेलरी पीयर्स थे वह पीछे हट गए और उनकी जगह हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हेलर ने ले ली और जिमी वेव ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन व्इट ने आय स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हार्वर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइड में शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पेड़ों को नुकसान पहुंचा इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से तनु के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एंडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार रूप में दो उनतीस आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का एक दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक बेसर्मी से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब यह आंखें मूंदने के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एल्बर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप से बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा कि हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है कि लव है, है। स्टोरी के, के फैक्टो रिव्यू लव स्टोरी सन उन्नीस की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच शेगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ड जी मिस्की ने अभिनीति अली मेकरा और रयान ओ जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोंस ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन उन्नीस में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने केडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की रेडक्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स को को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईवी लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एनवाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उसे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित पर, कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर हाँ कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कसकर गले लगाए दुखी की के बारे में न्यूयॉर्क शहर से से पहुंचते हैं और ओलिवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलिवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किरदार निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किरदार निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किरदार निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वॉकर ने किरदार निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडिका ने किरदार निभाया और रेस्टेस स्टेट के रूप में वोकर डेनियल ने किरदार निभाया है सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टॉम ली के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस्की ने किरदार निभाया ब्लाउ के रूप में एंड्रयू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरिस सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज तो हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच एरिगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हावर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हार्वर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के रिकन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे अब ब्राइट हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक होवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइड में शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर के पेड़ों को नुकसान पहुंचा इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से तनु के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एंडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार रूप में दो तो उनतीस आलोचकों में समीक्षाएं एकमात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का शोर दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो पर कब्जा कर लेगी जब यह आज नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार, में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहद कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे उन्होंने लिखा कि हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है कि लव है, स्टोरी है। के, के, के फैक्टो रिव्यू लव स्टोरी सन उन्नीस की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच शेगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली किकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच शेगल है आधारित है एरिच शेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ड जी मिस्की ने अली मेकरा और रयान ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए सभी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्वीकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने केडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानाक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं हार्वर्ड्स को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आई लीग का किताब पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उसे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारण करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलीवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मैसाचूसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंग की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, 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 के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में रैन ओन ने किरदार निभाया तो फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किदा निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में सिडनी वोकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रे रेस्ट स्टेट के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जो टोम ली के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस्की ने किदान के रूप में डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरिस सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वेलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक चेल्री पीयर्स थे वे पीछे हट गए और उनकी जगह हैंटोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हेलर ने ले ली और जिमी वेव ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील कि हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हावर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक होवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइडमेड शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पेड़ों को नुकसान पहुंचा इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से तनु के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एंडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार की रूप में तो उनतीस आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का एक दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब आंखें के के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने

होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेगरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हवर्ड जी मिस्किन ने अली मेट्रा और रीआन ओनिल जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जिन्स ने जोन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी अवितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्वीकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्नेल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईवी लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एनवाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उससे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उसे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भारण करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर हाँ कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती है और जोर देकर कहती है कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलीवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मेसाचुसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलिवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, 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 के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में रैन नोल ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किदा निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में सिडनी वॉकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रे रेस्टे स्टेटन के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जो टोम ली के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस की ने किरदार की निभाया के रूप में डंकन ने था और इसके बाद इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरा माउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक सैलरी प्यार्स थे वह पीछे हट गए और उनकी जगह हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने आय स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शैगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील के हॉकी स्टैंड्स इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हार्वर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्म गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइड में शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पेड़ों को नुकसान पहुंचा इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से तनु के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एंडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर उन्नीस को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोटेन टमाटोज में पूर्व व्यापार के रूप में दो आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का शोर दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब यह आदने के लिए नहीं कर रही सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने

होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हवर्ड जी मिस्की ने अभिनीति अली मेकरा और रयान ओ'नील, जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जॉन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन उन्नीस में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी फैमिल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्विकल, ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्गी रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्नल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईबी लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उससे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और प्रिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जैनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक पर, प्रतिष्ठित कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह अश्चाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती है। और जोर देकर कहती है कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी उलीवर, दुखी अस्पताल छोड़ देता है है और वह बाहर अपने पिता को देखता है, जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मेसाचुसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलिवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलिवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंग की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे स्केटिंग करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेग्रा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में रैन नोल ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे मिलंद ने किदा निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वोकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रेस्ट स्टेटन्स के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जो टॉम ली के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस मैरिस्की ने किरदार निभायाड के रूप में एंड्रयू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज तो हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइड ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस सौ अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील कि हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हावर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक में शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एनडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमियर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोड टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार की रूप में तो उनतीस आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का शोर दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक बेसर्मी से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब यह मूंदने के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहद कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने

होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टोमी ली जोन्स के साथ अली में और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हवर्ड जी मिस्की ने अली मेकरा और रयान ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन उन्नीस में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से भी इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने केडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानाक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी रेड रेडक्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्निल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईवी लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एनवाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उससे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित पर, कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि वह रूप रूप से से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती है कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलिवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मैसाचूसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर ब्ररिट फोर के रूप में रैन नोल ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किद्दा निभाया डेन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में सिडनी वोकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रेस्टे स्टेट के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टॉम ली जॉन्स के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस की किरदार निभाया के रूप में एंड्रयू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वेलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक सैलरी प्यार्स थे वह पीछे हट गए और उनकी जगह हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरड फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन व्इट ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील के हॉकी स्टैंड्स इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हावर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइडमेंट शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर पे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही इस अनुभव के बाद फिल्म ए, करन, ए, से के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एनडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोटेन टमाटोज में पूर्व व्यापार के रूप में दो तो उनतीस आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का स्टोर दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक बेसर्मी से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलोप पर कब्जा कर लेगी जब यह आंखें मूंदने के लिए नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एल्बर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहद कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे उन्होंने

होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेगरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ड जी मिस्की ने अली मेकरा और रयान ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस के बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट आ, 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 फोर एक अमेरिकी उच्चवर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी रेड रेडक्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं हावर्ड्स कॉर्नल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आई लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित पर, कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारण करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर हाँ कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी उलीवर, दुखी अस्पताल छोड़ देता है है और वह बाहर अपने पिता को देखता है, जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मैसाचूसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेग्रा ने किरदार निभाया और ओलिवर ब्ररिट फोर के रूप में ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किद्दा निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में सिडनी वॉकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रे रेस्टे स्टेट के रूप में वॉकर डेनियल ने निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टॉम ली जॉन्स के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस्की ने किरदार निभायाड के रूप में डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल उपन्यादेशक चैलरी हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन व्इट ने आय स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील हॉकी स्टैंड्स इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हार्वर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइड में शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही। इस के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से शास्त्री के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एनडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमियर बुधवार 16 दिसंबर उन्नीस को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार के रूप में तो दो आलोचकों में समीक्षा एक मात्र फिल्म को सिक्सटी सिक्स परसेंट का सोर्स दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब यह आंखें मूंदने के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा कि हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है लव है, स्टोरी है। के, के, के फैक्टो रिव्यू लव स्टोरी सन उन्नीस की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच सैगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ड जी मिस्की ने अभिनीति अली मेकरा और रयान ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोंस ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने केडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स को को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आई लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एनवाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उसे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित पर, कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर हाँ कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक

यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर ब्रेरिट फोर के रूप में रानिल ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे मिलंद ने किरदार निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किरदार निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किरदार निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वॉकर ने किरदार निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडिका ने किरदार निभाया और रे रेस्टेस स्टेट के रूप में वोकर डेनियल ने किरदार निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जॉन्स जो टॉम ली जोन्स के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस्की ने किरदार निभाया ब्लाउ निभायाड के रूप में एंड्रयू डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरिस सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज तो थे, वे पीछे हट और उनकी हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन व्इट ने स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हावर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी तो ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील के हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हार्वर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइडमेंट शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पेड़ों को नुकसान पहुंचा इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से तनु के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एंडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमियर बुधवार 16 दिसंबर उन्नीस को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार के रूप में दो आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का शोर दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलोप पर कब्जा कर लेगी जब यह आंखेंटर्ट रो, रो, ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहद कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे उन्होंने लिखा कि हाला की हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है लव है, है। स्टोरी के, के फैक्टो रिव्यू लव स्टोरी सन उन्नीस की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच शेगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हावर्ड जी मिस्की ने अली मेकरा और रैन ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोंस ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन 1970 में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से भी एक इसके बाद एक स्वीकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्गी रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय सा, संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्नल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आई लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उसे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती है और जोर देकर कहती है कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जैनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलीवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलीवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मेसाचूसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंग की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे इश्केटिंग करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में ओनील ने किरदार निभाया फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किदा निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किद्दा निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किद्दा निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में शिडनी वोकर ने किदा निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किद्दा निभाया और रे रेस्टेस स्टेट के रूप में वोकर डेनियल ने किद्दा निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जो टोम ली के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस्की ने किदार निभाया रूप में डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गए इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरामाउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वेलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक चेल्री प्यार्स थे वे पीछे हट गए और उनकी जगह हैंटोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हेलर ने ले ली और जिमी वेव ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने आय स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शेगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील के हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हावर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक होवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइड शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पे पेड़ों को नुकसान पहुंचारी इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से सन् 80 के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एनडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार की रूप में तो उनतीस आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का एक दिया गया और इस आ, आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो दिलों पर कब्जा कर लेगी जब आंखें नहीं कर रही होगी और रॉबर्ट रो, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स की सकारात्मक थे उन्होंने लिखा कि हालांकि कथान को कई बार सम्मानित किया गया था यह बताना है लव है, स्टोरी है। के, के, के फैक्टो रिव्यू लव स्टोरी सन उन्नीस की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एरिच शैगल द्वारा लिखी गई और जो इसी नाम के सन 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लेखक भी थे इसका निर्माण होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जॉन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेगरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हवर्ड जी मिस्की ने अली मेकरा और रयान ओ नील जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जोन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ की उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन उन्नीस में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानाक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात जेनिफर जोनी कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं हार्वर्ड्स को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईवी लीग का किताब पिता इथाका एन वाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उससे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और परिभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उसे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारण करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि वह असाध्य रूप से बीमार है ओलिवर जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलीवर अस्पताल छोड़ देता है और वह बाहर अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मैसाचुसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलीवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंग की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती होने के दिन उसे करते हुए देखा था डालने में देखा गया जेनिफर जेनी कैबिलेरी के, के रूप में अली मेगरा ने किरदार निभाया और ओलिवर बेरिट फोर के रूप में रैन नोल ओनील ने किरदार निभाया तो फिल केवी लेरी के रूप में जॉन मार्ले ने किरदार निभाया ओलिवर बैरेट थर्ड के रूप में रे रेमिन ने किरदार निभाया डीन थॉम्पसन के रूप में रसेल नाइप ने किरदार निभाया श्रीमती बैरेट के रूप में कैथरीन बालफोर ने किरदार निभाया डॉक्टर सेपली के रूप में सिडनी वॉकर ने किरदार निभाया डॉक्टर एडिशन के रूप में रॉबर्ट मोडी का ने किरदार निभाया और रे रेस्टेस स्ट्रेटन के रूप में वोकर डेनियल ने किरदार निभाया हैक सिम्पसन के रूप में टोमी ली जो टोम ली के रूप में श्रेय दिया गया था स्टीव के रूप में जॉन मैरिस ब्लाउ फेड के रूप में डंकन ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखे गया इस फिल्म के उत्पादन के बारे में हैरी सैगल ने मूल रूप से पटकथा लिखी और इसे पैरामाउंट पिक्चर को बेच दिया गया जब निर्माण का फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो पैरा माउंट चाहता था कि सैगल इस पर आधारित एक उपन्यास लिखे और जिससे वैलेंटाइन डे पर प्रकाशित किया जाए ताकि फिल्म की रिलीज को पूर्व प्रचारित करने में मदद मिल सके और जब उपन्यास रिलीज हुआ तो यह फिल्म से पहले ही अपने आप बेस्ट सेलर बन गया मूल निर्देशक चैलरी पियार्स थे, थे। वह पीछे हट गए और उनकी जगह हैंथोली हार्वे ने ले ली और हार्वे बाहर हो गए और उनकी जगह आर्थर हिलर ने ले ली और जिमी वेब ने फिल्म के लिए एक स्कोर लिखा था जिसका उपयोग नहीं किया गया था ओलिवर बैरेट फोर की मुख्य भूमिका को जेफ ब्रिजेस माइकल डगलस ब्यू बिजनेस माइकल यार्क और जॉन वाइट ने आय स्वीकार कर दिया गया और क्रिस्टोफर और केल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और लेकिन एरिच शैगल की सिफारिश पर रयान और नील को चुना गया था जिन्होंने द गेम्स के साथ काम किया था और उन्हें पच्चीस हजार डॉलर का भुगतान किया गया बिल क्लेरी पूर्व हार्वर्ड के सन उन्नीस अमेरिकी ओलंपिक हॉकी स्टार प्रमुख हॉकी दृश्यों के दौरान रयान और नील कि हॉकी स्टैंड इनके थे जहां इस स्केटिंग और हॉकी खेलने की क्षमता की आवश्यकता थी हावर्ड के पूर्व वॉटसन रिक के तीन दिनों में हॉकी के दृश्य फिल्माए गए जिसे फिर से बनाया गया और इस अब इसे ब्राइट लैंड्री हॉकी सेंटर के रूप में जाना जाता था और फिल्म में अन्य हॉकी खिलाड़ियों की भूमिका ज्यादातर वास्तविक हॉवर्ड और बोस्टन विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई थी और जिसमें दो जो के, केवनद और माइक हाइड में शामिल थे लव स्टोरी को लोकेशन पर फिल्म माने में परिसर में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने इस अनुभव के बाद फिल्म ए स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से तनु के साथ भी ऐसा ही अनुभव होता जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थान पर फिल्मांकन के अधिकांश बाद में अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा और फिल्म का मुख्य गीत लव स्टोरी एक बड़ी सफलता थी विशेष रूप से एंडी विलियम्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया था लव लव स्टोरी का प्रीमर बुधवार 16 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर में लाउज स्टेट आई थिएटर में हुआ गया और आलोचनात्मक समीक्षाएं कुल मिलाकर लव स्टोरी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली रोट टेन टमाटोज में पूर्व व्यापार के रूप में 29 आलोचकों में समीक्षाएं मात्र फिल्म को सिक्सटी परसेंट का शोर दिया गया और इसका आलोचनात्मक संपत्ति में लिखा है कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराने के लिए गंभीर और दृढ़ लव स्टोरी एक से आंसू बहन बहाने वाली फिल्म है जो पर कब्जा कर लेगी जब आंखें मूंदने के के लिए प्रेरित नहीं कर रही होगी और रो, रोबर्ट, रो, रोजर एलबर्ट ने फिल्म के चार में से चार सितारे दिए और इसे किताब में असीम रूप में बेहतर कहा कहा क्योंकि हिलर प्रेमियों को व्यक्तियों के बदल देता और निश्चित रूप से हम फिल्मों के निष्कर्ष से प्रभावित हुए क्योंकि नहीं लॉस एंजल्स टाइम के चार्ल्स चैम्पल्स की सकारात्मक थे और उन्होंने

होवर्ड जी मिस्की द्वारा किया गया था और थर्ड हिलर द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जोन मार्ले रे मिलेड और टॉमी ली जोन्स के साथ अली मेकेकरा और रयान ओनी ने अपनी पहली की फिल्म के एक छोटी भूमिका निभाई थी फिल्म का निर्देशक आर्थर हिलर है फिल्म की पटकथा एरिच सेगल है आधारित है एरिच सेगल द्वारा प्रेम कहानी उत्पादित किया हवर्ड जी मिस्की ने अभिनीति अली मेकरा और रयान ओ जॉन मार्ले रे मिलंद छायांकन रिचर्ड क्रेटिन का संपादित किया रॉबर्ट सी जेंस ने जॉन्स ने संगीत है फ्रांसिस लाइ के उत्पादन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स लव स्टोरी कंपनी वितरित किया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख सन उन्नीस में 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 101 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 2.2 मिलियन डॉलर का था इस फिल्म को अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है और मुद्रास्तीफी के लिए संयोजित सभी फैमिल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से, में से भी एक इसके बाद एक स्विकल ओलिवर स्टोरी आई जिसमें ओलिन ने कैडिस बॉर्गेन के साथ अभिनय किया था कथानक ओलिवर बैरेट फोर ए, एक अमेरिकी उच्च वर्गीय ईस्ट कोस्ट परिवार का उत्तराधिकारी हॉवर्ड कॉलेज में जाता है जहां वह आइस हॉकी खेलता है उसकी मुलाकात कैवी लेरी से होती है जो एक तेज तरार कामकाजी वर्ग की रेड क्लिफ कॉलेज की शास्त्रीय संगीत की छात्रा है वे अपने मतभेदों को मौजूद प्यार में पड़ जाते हैं और कॉर्नेल के में ओलिवर हॉकी खेल के दौरान अपना आपा खो देते हैं और हावर्ड्स कॉर्नेल को चार से तीन से हरा दिया जाता है हावर्ड्स को गेम में आईवी लीग का किताब हारते देखने के लिए उसके पिता इथाका एनवाई तक गाड़ी चलाकर जाते हैं फिर ओलिवर ने अपने माता पिता को बोस्टन वापस जाने और हार्डवर्ड ला स्कूल में प्रवेश में मदद करने में प्रस्ताव को ठुकरा दिया ओलिवर इस बात से परेशान होकर कि जेनी की पेरिस की पढ़ाई की योजना में उसका नाम शामिल नहीं है वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह उससे अपने माता पिता से मिलने के लिए बैरेट हवेली में ले जाता है जो आलोचनात्मक और प्रभावित है ओलिवर के पिता का कहना है कि अगर वह जेनी से शादी करता है तो वह उससे आर्थिक रूप से परेशान कर देगा लेकिन फिर भी स्नातक होने के बाद वे शादी कर लेते हैं जेनी एक शिक्षक के रूप में काम करती है लेकिन अपने पिता की वित्तीय सहायता के बिना दंपति को हार्वर्ड ला स्कूल में ओलिवर के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ओलिवर अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर स्नातक है और न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित कानूनी फार्म में एक पद लेता है और वे परिवार शुरू करने के लिए तैयार है लेकिन गर्भधारा करने में असफल रहते हैं जेनी के तीन रक्त परीक्षणों से गुजरने के बाद ओलिवर को बताया गया कि है कि जेनी को उसकी स्थिति के बारे में बताए बिना सामान्य रूप से जारी रखने का प्रयास करता है लेकिन वह अपने डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई का पता लगा लेती है ओलिवर पेरिस के लिए एक टिकट खरीदता है लेकिन वह जानने से इनकार कर देती है और केवल उसके साथ समय बिताना चाहती है जेनी की कैंसर चिकित्सा के लिए ओलिवर अपने अलग हो चुके पिता से पैसे मांगता है और उसके पिता पूछते हैं कि किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया ओलिवर कहता है और उसके पिता एक चेक लिखते हैं जैनी अपने अस्पताल में बिस्तर में अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और वह ओलिवर को खुद को दोष न देने के लिए कहती और जोर देकर कहती है कि उसने उसे कभी भी संगीत से दूर नहीं रखा और उसके बीच में जो प्यार था इसके लायक था जेनी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद ओलिवर उसे कसकर गले लगाए दुखी ओलीवर दुखी ओलीवर अस्पताल छोड़ देता है अपने पिता को देखता है जो जेनी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसकी मदद की पेशकश करने के लिए मेसाचुसेट से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और ओलीवर उससे कहता है कि जेनी मर चुकी है और उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्षमा करे जिस पर ओलिवर जवाब देता है कि प्यार का मतलब है कि आपको कभी भी यह यह नहीं कहना होगा कि आपको खेद है कुछ ऐसा जो जेनी ने उससे पहले कहा था ओलिवर अकेले खुली हवा में बने आइस रिंक की ओर चलती है जहां जेनी ने अस्पताल में भर्ती